वेलकम बैक टू अवर चैनल गदरिस मैथ फाउंडेशन एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड फिफ्थ में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो इसके पहले की वीडियोस में हमने बहुत सी बातें सीख चुके हैं। अभी तक एचसीएफ सीखा है, एलसीएम सीखा है, उसके पहले प्राइम नंबर्स और बहुत सी बातें सीखने देख लिए। इन सबके ऊपर जो वीडियोस हम मैंने बनाए हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। उनमें एक रिलेशन है कि एचसीएफ को अगर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आता है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अरे जिन दो नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन। चलो इसको थोड़ा चेक करते हैं कैसे। मान लो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने एक लिया नंबर 8 और दूसरी नंबर ली 12। अब 8 इंटू अगर 12 करोगे तो हो जाएगा 96, ठीक है। तो ये हो गया 96 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे और उनका प्रोडक्ट भी 96 आना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करो 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 2। अब 12 के निकालते हैं, डिवाइड करो 2 से 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 जा। अब हम क्या करते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, फिर 12 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। अब एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन। कॉमन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए लिख लिया 2। और कोई एक कॉमन दोनों में नहीं है, सो इसका आंसर आ गया 4। तो एचसीएफ हो गया 4। अब हम इनका निकालते हैं एलसीएम। अब आपको बता दू एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि एचसीएफ क्या करते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, और फिर नॉन कॉमन। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 4 आ गया मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से, यहाँ पे 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 4 2 8 8 3 24। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल लिया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करो दैट इज इक्वल टू, एचसीएफ कितना आया था 4, एलसीएम कितना आया 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 16 6 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1, तो आ गया 96। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया 96। और जिन दो नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम लिया था उन दो नंबर का प्रोडक्ट भी 96 है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमने लिखा है दैट इज करेक्ट। अब हमें यही पे नहीं रुकना है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब आपको समझ में आ गया कि वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। अब कभी कभी क्या होता है, आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, वन नंबर दी रहेगी, बोलेंगे अदर नंबर फाइंड करो। तो अदर नंबर का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, अदर नंबर इज इक्वल टू, उसके लिए आपको करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, इसको डिवाइड करना है वन नंबर से, जो वन नंबर आपको दी रहेंगी। तो ये फॉर्मूला यूज करो। और आपको जब भी वन नंबर फाइंड करो बोलते ऐसा दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा बोलेंगे, और अदर नंबर दी रहेंगे बोलेंगे वन नंबर फाइंड करो। तो वन नंबर इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन अदर नंबर। अब कभी कभी क्या होगा, आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, बोलेंगे एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम कैसे फाइंड करना, सो एलसीएम इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन, आपको लिखना है यहाँ पे एचसीएफ। और इसी के ठीक अपोजिट अगर आपको एलसीएम दिया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है, या फिर दो नंबर दिए
दो नंबर भी दे सकते हैं या प्रोडक्ट दे सकते हैं, और बोला है कि एचसीएफ फाइंड करो। सो एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन अपॉन क्या लिखेंगे अब हम बताओ, अपॉन लिखेंगे उनका एलसीएम। तो इस तरह से इतने फॉर्मूले इस रिलेशन से बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। गॉट इट? नाउ वी विल सी वन एग्जांपल जो लिया है मैंने चेक पॉइंट एनए पियर्सन की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 525 इफ देयर एचसीएफ इज 5 फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले हमें जो दिया वो लिख लेते हैं। सो क्या दिया है हमें, तो दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो नंबर का हमें प्रोडक्ट दिया है दैट इज इक्वल टू 525। और क्या दिया है उन दो नंबर का एचसीएफ। सो आई विल राइट हियर एचसीएफ इज इक्वल टू 5। हमेशा ध्यान में रखना आप राइटिंग मेथड करते समय इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन आए इस तरह से राइटिंग कीजिए। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो हम लिखते हैं एलसीएम का फॉर्मूला। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। अब इसमें आप वैल्यू पुट अप करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है 525, एचसीएफ दिया है 5। 5 से इसको साइड में डिवाइड करो, यहाँ लिखा 525 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 5 रिमेन 0 कैरी 2। अब 2 तो छोटी नंबर है तो 5 0 0 और फिर नीचे लिया हमने यहाँ पे 5, तो 5 5 हो गया 25। तो इनका एलसीएम आ गया 105। तो 105 ऐसी नंबर है जिससे उन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। सो हमें आंसर मिल गया है। गॉट इट? अब उसी में से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 5040 रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या हुआ, एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 5040। इफ वन ऑफ द नंबर इज 144 फाइंड द अदर नंबर। तो हमें एक नंबर दिया 144, दूसरी नंबर हमें फाइंड करने जो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, सो विल राइट हियर एचसीएफ इज इक्वल टू 12, एलसीएम इज इक्वल टू दिया है 5040। और क्या दिया है, वन नंबर इज इक्वल टू, सो आई विल राइट हियर वन नंबर इज इक्वल टू 144। अब फाइंड करनी है अदर नंबर, सो आई विल राइट हियर देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू। अब आपको भी पता है कि हमने पहले ही रिलेशन देख लिया है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर मतलब वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। तो हमने अदर नंबर का फॉर्मूला बनाया था, अदर नंबर इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन वन नंबर। तो ये हमें फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना है। अब एचसीएफ कितना है 12 है, एलसीएम कितना है 5040 है, और वन नंबर कितनी है 144 है। अगर आपका 12 का टेबल अच्छा है तो आपको समझ में आएगा कि 12 को 144 से 144 को डिवाइड होता है। तो वो कैसे, 12 1 1 और 12 12 144। तो आपको आंसर मिल गया 5040 और उसको डिवाइड करो 12 से। अब साइड में डिवीजन करते हैं, 5040 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 4 48 माइनस यहाँ पे हो गया 2। अब रिमाइंडर नीचे लिया हमने यहाँ पे 4, तो 12 2 24 0 0 यहाँ पे कैरी किया मतलब नीचे लिया 0 को, तो 12 0 0 तो आंसर आ गया 420। तो हमें जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। सो विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द अदर नंबर इज 420। गॉट इट? नाउ वी विल सी वर्कशीट 4.6 एडवांस जो लिए मैंने पियर्सन वर्कशीट से। क्वेश्चन बी में से फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम आर टू नंबर्स आर 11 and 66 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू दिया है 11 एंड एलसीएम इज इक्वल टू दिया है 66। पहले ये आपको लिखना है। अब हमें उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है जिनका एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया है। तो हमारे पास उनका रिलेशन है, रिलेशन क्या है, सो वी राइट हियर एचसीएफ इनटू एलसीएम
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें रिलेशन पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं, एचसीएफ है 11 इंटू एलसीएम है 66 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लीकेशन साइड में, तो 66 मल्टीप्लाई 11 करो, 11 सिक्स 66 सिक्स कैरी 6, 11 सिक्स 66 प्लस 6 हो गया 72। सो अब आपको क्या करना है कि इसको पहले लिखना है और इसके आंसर को बाद में। सो वी विल गेट हियर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू वी विल गेट 726। सो दिस इज द आंसर, गॉट इट। नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 324, इफ देयर एलसीएम इज 36 फाइंड देयर एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है, क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू हमें दिया है, तो उसे हम लिख लेते हैं। कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 324, और क्या दिया है एलसीएम, सो आई विल राइट हियर एलसीएम इज इक्वल टू 36। फाइंड करना है एचसीएफ, तो लिखेंगे हम एचसीएफ का फॉर्मूला, तो एचसीएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन देयर एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे उनका एलसीएम, दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट अप करो, टू नंबर्स का प्रोडक्ट है 324 और उनका एलसीएम है 36। अब इन दोनों की साइड में डिवीजन करेंगे, अब 36 से 32 स्मॉल है, अब 36 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आता है, उसके लिए आप यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 के टेबल में 4 कब आते हैं, 6 4 24 में आते हैं, और कहा आते हैं 6 7 42, 6 8 48, 6 9 50, होता 9 से करके देखो, तो 9 6 54 4 कैरी 5, 9 3 27 और 5 होता है 32 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, 36 1 36 36 9 324, तो एचसीएफ आ गया 9, व्हाट इट। थैंक यू। सो हाउ वाज योर टुडेज वीडियो, इफ यू लर्न्ड दिस देन लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस व्हेन वी अपलोड आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। So we will meet in my next video. Till then, bye bye. Sorry.